एक बहुत अच्छी न्यूज है। इस न्यूज में क्या है, पहले तो इस न्यूज की हेडलाइन को देखते हैं। फर्टिलाइजर इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया मेक्स अप 20% ऑफ द टोटल इन अप्रैल टू जून। ठीक है, तो इस न्यूज में क्या है कि जो फर्टिलाइजर इंडिया इम्पोर्ट करता है फ्रॉम फॉरेन कंट्री से, ठीक है, तो उसमें क्या क्या किस कंट्री से कितना कंट्रीब्यूशन है तो वो हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर पास्ट ईयर का देखें 2019-20 तो हम सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चाइना से 44.82 मीट्रिक टन हम इतना इम्पोर्ट करते हैं क्या फर्टिलाइजर, सबसे ज्यादा चाइना से, देन ओमान से, उसके बाद सऊदी अरेबिया से, ठीक है, फिर रशिया से, फिर नेक्स्ट केस में फिर अगले ईयर 41.4775 ये फिर चाइना से करते हैं, फिर उसके बाद है ओमान से करते हैं, फिर ऐसे। लेकिन अगर इस ईयर की हम बात करेंगे तो इस ईयर में हम बहुत चेंज देखने को मिलता है। इस ईयर में क्या चेंज देखने को मिलता है कि जो हम ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं उसका चेंज चाइना को छोड़ के सीधे हम रशिया पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। 7.74% का फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं रशिया से, ठीक है। और इसी में चाइना का प्लेस देखें तो चाइना का प्लेस फोर्थ नंबर पे आ जा रहा है। जो पास्ट ईयर में चाइना का प्लेस फर्स्ट प्लेस पे था, इस पास्ट ईयर में चाइना का प्लेस फोर्थ नंबर पे है, ठीक है। अब इसका रीजन हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ, रीजन में ये बताया गया है कि जो रशिया है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है फर्टिलाइजर, और जो रशिया से हमें फर्टिलाइजर मिल रहा है वो 10% चीप मिल रहा है, 10% चीप मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या करें, अपने को फर्टिलाइजर को शिफ्ट कर दिए हैं चाइना टू रशिया, ठीक है। हमें जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से परचेज करेंगे। तो हमने इस समय सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा हमारा इम्पोर्टर, हम जहां से सबसे ज्यादा परचेज कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री है, रशिया, ठीक है। ये तो बात हो गई। अब कंट्रीब्यूशन दिखाया है कि इंडिया मतलब कि इंडिया में फर्टिलाइजर जो टोटल है वो कितना इंडिया कंज्यूम करता है। तो इंडिया में टोटल कंजप्शन फर्टिलाइजर का है 341.73 लाख मीट्रिक टन, कितने लाख मीट्रिक टन है, ठीक है, जिसमें से 250.72 लाख मीट्रिक टन जो है हम खुद ही इंडिया में प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास 91.36 मीट्रिक टन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो हम मंगाते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है। तो पास्ट ईयर में तो हम चाइना सबसे ज्यादा अमाउंट मंगा लेते थे, लेकिन रिसेंट ईयर में हमने शिफ्ट कर दिया है रशिया पे। इसके फायदे क्या होंगे, इसके फायदे ये होंगे कि हमारा जो फॉरेन पैसा, जो डॉलर, हमारा जो मनी जाता है, हम जो डॉलर देते हैं फॉरेन में, वो हमारा डॉलर सेव हो जाएगा, ठीक है, और रशिया से रिलेशन भी अच्छे बने रहेंगे,